कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कहलाता है यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कहलाता है यदि इसका इमेजिनरी पार्ट शून्य हो, जीरो हो, यदि इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। और उदाहरण में दावे कोट कर लीजिए, अब आ गया प्योरली इमेजिनरी, इसका अब हिंदी क्या होगा? लिखेंगे हो जाएगा शुद्ध काल्पनिक, इसका तो इसका भी पहले उदाहरण सीखते हैं। एज बराबर जीरो प्लस सेवन आय होता है, हम केवल सेवन आय होता लिख सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा भाग शून्य है, रियल पार्ट शून्य है, तो केवल कौन पार्ट बच गया? जब इमेजिनरी पार्ट बचा तो वो शुद्ध हो गया। एक कंफ्यूजन है, जब केवल रियल पार्ट बचेगा तो शुद्ध रियल प्योरली रियल कहलाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट बचेगा तो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। लेकिन परिभाषा उल्टे सेंस में देना कि प्योरली रियल कौन होगा, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। उसी तरह बताइए प्योरली इमेजिनरी कौन होगा, समझ में आया? तो परिभाषा इसके लिखे है क्या होगा परिभाषा, उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी is its real part is zero। ठीक है, तो परिभाषा लिखिए